खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र में नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इस पर बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि एक बड़ी बैठक चल रही है शरद पवार के घर पर। शरद पवार ने के घर उद्धव ठाकरे, अहमद पटेल समेत तीन दलों के दिग्गज नेता मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में तय होगा कि मंत्री पद की मलाई किस किस को मिलेगी। बैठक में अजीत पवार के मंत्री बनने पर भी फैसला लिया जाएगा। तो बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा लगातार जारी है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। मृत्युंजय, क्या अपडेट इस समय का आप हमें देंगे? जी बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि लगभग कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं जो अपेक्षित थे इस मीटिंग में, जो जिन्हें डिसाइड करना है, वो यहां पर पहुंच गए हैं। केसी वेणुगोपाल, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, पृथ्वीराज चौहान, ये चारों ही नेता पहुंच गए हैं और पहले से ही घर में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पहले से ही मौजूद हैं। कुछ एनसीपी के नेता पहले से मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कुछ और नेताओं का आना बाकी है। अभी उद्धव ठाकरे पहुंचे नहीं है क्योंकि इससे पहले यहां पर सिल्वर ओक पर बैठक हो गठबंधन की, उसके पहले शिवसेना का एक अपनी मीटिंग चल रही है। शिवसेना अपने तीन नेताओं के नाम प्रस्तावित करेगी कि कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं और वो जो नाम तय करेंगे वो नाम यहां पर आकर सिल्वर ओक पर शरद पवार को मीटिंग में बताएंगे, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। कुछ इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी किया हुआ है, कुछ तीन से चार नाम यहां पर सुझाए जाएंगे जो कल शिवाजी पार्क में जब शपथ विधि होगी तो इसमें मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये पूरा मंथन होना है और आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, वो उनका कहना है कि हमारी सरकार बन रही है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, हम चाहते हैं कि जो बातें हुई अब यहाँ इसके बाद से एक नई पारी शुरू हो, छोटे हो बड़े हो सभी का आशीर्वाद जरूरी है और पूरी संभावना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अधिकतर लोगों को, समाज के सभी पक्षों को और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करेंगे शपथ विधि में। जी मृत्युंजय, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस बैठक में अजीत पवार भी अभी नहीं कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, इस खबर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? शुभना, अभी तक जो जानकारी मिली है कि अजीत पवार की पहुंचने की संभावना काफ़ी कम है। एनसीपी की तरफ से शरद पवार ही हैं सब कुछ फैसला लेने वाले, लेकिन जयंत पाटिल, छगन भुजबल ये नेता पहुंच सकते हैं। तो अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार के पहुंचने की संभावना काफ़ी कम है और अजीत पवार बहुत ज़्यादा सक्रियता अभी नहीं दिखाने वाले हैं निकट भविष्य में, तो ऐसी जानकारी बहुत करीबी जो अजीत पवार के हैं वो बता रहे हैं। लेकिन अजीत पवार हैं, कब यू टर्न मार जाएं ये तो हमने देख ही लिया है, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि उनकी संभावना काफ़ी कम है और कहीं ना कहीं और जो नेता हैं वो उन्होंने सभी ने एक मत से निर्णय छोड़ दिया है कि शरद पवार जी तो जो तय करेंगे वो आखिरी निर्णय होगा और वो सभी को मान्य होगा। अजीत पवार भी ये बात कह चुके हैं कि शरद पवार आगे जो तय करेंगे वो मानेंगे। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या शरद पवार इस वक्त ही उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हैं या फिर उन्हें कूलिंग ऑफ टाइम देते हैं।